बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत, और उससे ज्यादा दिलचस्प है यहाँ के मुख्यमंत्रियों के किस्से। हैरत की बात ये कि जब नेता अपनी जमीन छोड़कर आसमानी हो जाते हैं तो पब्लिक उनकी राजनीतिक जमीन को उनके पैरों तले से खींच लेती है। इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री तो बनता है लेकिन 258 दिन से ज्यादा का सुख नहीं भोग पाता। कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना वक्त नहीं पा पाता कि शपथ ग्रहण में फटे हुए कुर्ते की जगह कोई नया कुर्ता पहनकर जा सके। ऐसी ही दिलचस्प अनसुनी अनकही दास्तान का नाम है मैं मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरू करते हैं स्पेशल शो मैं मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश और देश की सियासत का वो नाम जो हमेशा सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है, जो हमेशा सत्ता की धुरी में रहता है, केंद्र में रहता है, लेकिन आखिरकार दिग्विजय ने ऐसा क्या किया कि मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस को मजबूत किया और फिर अचानक से धड़ाम करके कांग्रेस का वो मजबूत किला ढह गया। दिग्विजय सिंह अपनों से ज्यादा अपने विरोधियों की जुबान पर चढ़ा हुआ नाम, जिन्हें आज भी राजा साहब बुलाया जाता है, जो बैतूल गोलीकांड के बाद भी लगातार चुनाव जीते और उसके बाद जब हारे तो कांग्रेस का गढ़ रहा एमपी बीजेपी के किले में तब्दील हो चुका। चलिए तारीखों में पीछे। 12 जनवरी 1998, किसानों की भीड़, हालात धीरे धीरे बेकाबू, गोलियां चलानी पड़ी, 19 लाशें गिरी, 18 किसान थे, एक ड्राइवर। और किसानों की धरती मध्य प्रदेश में किसानों का खून गिरे तो पूरे सूबे की सियासत हिल जाती है। लेकिन बैतूल गोलीकांड के बाद भी कुर्सी कब्जाने में कामयाब रहे राजा साहब। राघोगढ़ राज परिवार में 28 फरवरी 1947 को जन्मे दिग्विजय सिंह हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में दांव आजमाते मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मैदान तक पहुंचे। पिता बलभद्र सिंह हिंदू महासभा के समर्थन से विधायक बने। विरासती राजनीति की बदौलत इंजीनियर दिग्विजय 22 की उम्र में निर्दलीय राघोगढ़ नगरपालिका पहुंचे और 25 की उम्र आते आते हो गए कांग्रेसी। तब के दिग्गज कांग्रेसी गोविंद नारायण सिंह और राजमाता सिंधिया दोनों ही उन्हें अपने तरफ खींचना चाहते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जीवाजी राव सिंधिया को दिग्गी के पिता अन्नदाता कहते थे, क्योंकि राघोगढ़ रियासत सिंधिया के अधीन आती थी। शायद दिग्गी सिर्फ एक मोहरा नहीं बनना चाहते थे, लिहाजा वो कांग्रेस में एक के बाद एक पायदान बढ़ते चले गए। 1977 में राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह विधायक बने। 1980 में अर्जुन सिंह की कैबिनेट का हिस्सा बने। इसके बाद भोपाल से दिल्ली का सिलसिला शुरू हुआ और लोकसभा सांसद बने। यहीं पर राजीव गांधी की यूथ ब्रिगेड में एंट्री हुई, यानी ऑस्कर फर्नांडिस, अशोक गहलोत, राजेश पायलट की लिस्ट में जुड़ गए दिग्विजय सिंह। जब अर्जुन सिंह को पंजाब राजभवन भेज दिया गया तो दो खासम खास मध्य प्रदेश में उन्होंने फिट कर दिए। संगठन की कमान दिग्विजय सिंह को और सत्ता सौंपी गई मोतीलाल वोरा को। भोपाल लौटे दिग्विजय राजीव और अर्जुन का भरोसा जीतने के अलावा एक नया नाम लेकर लौटे, दिग्गी राजा। इसकी कहानी खास है। राजीव गांधी के खास वरिष्ठ संपादकों और यूथ ब्रिगेड की पार्टी में शामिल ब्लिट्स के संपादक रूसी कनजिया को दिग्विजय सिंह बोलने में कठिनाई हो रही थी, तब उन्होंने कहा दिग्गी राजा। दिसंबर 1993, नरसिम्हा राव सरकार, और इस सरकार में मंत्री थे छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ, जो लगभग दौड़ रहे थे क्योंकि विधायक दल की बैठक में जमकर हंगामा हुआ था। कमलनाथ के हाथ में एक पर्ची थी। इस पर्ची में था मध्य प्रदेश में बदलाव का कोड। प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह 103 वोट लाकर दूसरे दावेदार श्यामाचरण शुक्ल को कहीं बहुत पीछे कर चुके थे। करीब 46 साल के दिग्विजय सिंह अब थे सूबे के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। लेकिन रुकिए, सिर्फ श्यामाचरण शुक्ल का ही दिल नहीं टूटा, छन्न करके अरमान टूटे थे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के, जिनके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर एक प्लेन रिजर्व रखा जाने लगा कि जाने कब भोपाल जाना पड़ जाए। लेकिन देर हो गई, जब तक प्लेन उड़ा राजा साहब बाकी दावेदारों की जमीन खींच चुके थे। पहली पारी में ताबड़तोड़ काम करने के बाद दूसरी पारी में दिग्विजय सिंह ने वो सब कुछ किया जो सत्ता सुरक्षा की गारंटी देता, लेकिन साथ ही ऐसे बयान भी निकले जो आज तक बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनावी हथियार है। मसलन दिग्विजय बोले थे कि चुनाव सड़कें बनवाकर नहीं जीते जाते, राजनीतिक प्रबंधन से जीते जाते हैं।
इस तर्क के अलावा राजनीति के जानकार कई और गलतियां भी गिनाते हैं, जैसे सरकारी तंत्र में ठेका पद्धति यानी शिक्षा कर्मी, रही सही कसर पूरी की खस्ता सड़कें और हमेशा गायब बिजली ने। 2003 के चुनावी नतीजों से कुछ घंटे पहले टीवी पर उनका बयान था, बिजली सड़क पानी कोई मुद्दा नहीं और आप मुझे जहां आज पा रही हैं अगले 10 साल यही पाएगी। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि कांग्रेस हार ही नहीं सकती, अगर हार गई तो मैं 10 साल सत्ता से दूर रहूंगा। और देखिए, भोली भाली मध्य प्रदेश की जनता ने कभी कांग्रेस का गढ़ रहे एमपी में सबसे पुरानी पार्टी को 38 सीटों पर समेट दिया। ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।